लोग अभी दिल्ली में जो चल रहा है शेतकरी आंदोलन चालू है, अब इतना 100 दिन पूरा होके गया तो भी केंद्र सरकार कुछ आँख नहीं खोल रहे, इसके लिए हम लोग आज महिला दिन के जागतिक महिला दिन के समय सबको दिखा रहे हैं कि हम लोग पूरा जाहिर पाठिंबा शेतकरी बांधवाना देतो। मैं उत्तर मुंबई महिला कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष, मैं आज महिला दिवस पे प्रोग्राम ली सारे महिलाओं को, यही सोचती कि सबको मैं अभिनंदन करती हूँ महिला दिवस का। ऐसा महिला शक्ति रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा सब कुछ जागरूक करना चाहिए, शक्ति एक अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रीय के लिए जो है, बस इतना बोलती हूँ। जय हिंद। सर, महिला दिवस पर आज हाथों में पोस्टर लेकर के महिलाएं उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र महिला दिवस पर क्या संदेश देने की कोशिश? सर, आज सबसे पहले तो आज जागतिक महिला दिन है, मैं जागतिक महिला दिन के सभी हमारे जो बहनें हैं महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारी जो महिला हैं, हमारी महिला किसी से कम नहीं है, कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली हमारी महिला हैं। आज हमारी महिला शक्ति इतनी सशक्त हो गई है कि हर एक काम में आगे करती रहती हैं, जो भी काम उनको दिया जाता है, जहाँ प्रदेश से दिया जाता है, दिल्ली से दिया जाए, वो काम अपने बखूबी निभाती हैं वो लोग। और वही आज वो दिखाना चाहते हैं कि जो दिल्ली में आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं करीब करीब, और हमारे जो शेतकरी वहाँ पे हैं, वहाँ उन लोगों के लिए कोई न्याय नहीं अभी तक हो रहा है, कोई सरकार वहाँ की कुछ उनका बंदोबस्त नहीं कर रही है, कोई उनको जवाब नहीं दे रही है। तो ये हमारी जो आज की महिलाएं हैं वो उनको बताना चाहती हैं कि अगर आप लोग ने अगर इसके आगे भी अगर आपने कोई कुछ चीज़ का फैसला नहीं किया, तो हम जितनी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, हम सब उनके साथ में हैं, और हम आप लोगों के ऊपर बारी पड़ने वाले हैं, इतना हम उनको जवान देना चाहते हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर मुंबई की महिलाओं ने महिला दिवस पे एक कार्यक्रम रखा है किसानों के समर्थन में, जो दिल्ली में किसान जो है 100 दिन के हो गए वो लोग बैठे हैं, और उनको समर्थन देने के लिए अपने यहाँ के महिलाओं ने जो समर्थन दिया है, मैं पहले उन महिलाओं को सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ।